बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड दो, ये सिंध में ये पेपर शुरू हैं, पीटीएस के ज़रिए ये पेपर हो रहे हैं। सिंध एसपीडी यानी जूनियर क्लर्क के पेपर शुरू हैं और ये आज का ही पेपर है। इसके दो पेपर जो हैं, सुबह 9 बजे का पेपर और इसके अलावा 11 बजे का पेपर, ये दोनों मैंने फुल ही अपलोड किए हुए हैं और इसके लिंक जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अभी ये 2:30 का पेपर है, जो एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये 70 रेंज का पेपर है और इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आज ही हुआ है, 24/8/2021 को ये 2:30 पे हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे एक बेल वाला आइकन होगा, इस पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने की कोशिश करते हैं कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाई पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है। ये जो है कराची है, और इसके अलावा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो कौन सा है, वो बलूचिस्तान है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गेटवे ऑफ पाकिस्तान, तो गेटवे ऑफ पाकिस्तान जो है ये कराची को कहा जाता है और इसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इन्वेडर्स ये जो है लाहौर को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, टेस्ट में आता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेक कौन सा है। ये जो है मंचर लेक है और ये जो है सिंध में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज गटर मार्जिन इन एम एस वर्ड में गटर मार्जिन जो होता है क्या चीज़ होता है। तो ऑप्शन सी को आप ज़रा देखिए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग आउट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मार्कोस आर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मार्कोस होता है, मैक्रोज होता है, ये क्या चीज़ होता है। तो इसका शॉर्ट डिटेल यानी यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन है नीचे, तो ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। मैं पढ़ूंगा कि स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएट इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाई यूजिंग VBA, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल 1 इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कंट्रोल 1 जो होता है ये सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल आई इज यूज फॉर, कंट्रोल आई जो है या स्टैंड फॉर, तो ये जो है इटैलिक के लिए यूज होता है। इसके अलावा बोल्ड के लिए कंट्रोल बी यूज होता है और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू यूज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड इज मोस्टली यूज फॉर, एमएस वर्ड जो है ये क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, असाइनमेंट्स, ये इन सब के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पास विच कनेक्ट अफगानिस्तान विद पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पास जो है कनेक्ट करता है, तो ये है खैबर पास, तो ऑप्शन ये जो है खैबर पास इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 बाय विच प्रेसिडेंट, ये 1962 का अप्रूवल जो है कौन से प्रेसिडेंट ने किया था, तो ये जो था अयूब खान थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्रूव्ड हो चुके हैं। सबसे पहले जो था 1956 को था, जिनमें जो थे 236 आर्टिकल्स थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो था 1962 में था, जिसमें 250 आर्टिकल्स थे। इसके अलावा अभी जो करंट है वो 1973 का है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, और इसमें जो है 280 आर्टिकल्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, और इस ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज़ है ये आपने टिक करनी है। सबसे पहले ए नंबर पे है के, बी पे है डोर, सी पे है लॉक, डी पे है रूम, तो इससे आपने एक सही स्टेटमेंट बनाना है। तो ये किस तरह से होगा, जैसा कि ए देख सकते हैं, सबसे पहले ए होगा कि की, फिर सी लॉक, इसके बाद बी डोर, इसके बाद डी रूम एंड स्विच ऑन, यानी की के ज़रिए जो डोर लॉक होता है इसको हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये इसका सही जो है सीरीज है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर करें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।